हे गाइस कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक माय अदर वीडियो। तो गाइस आज के दिन वैसे मैं क्या करने वाला, आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो आज के दिन हम रिवील करने वाले हैं अपना सेटअप एंड टॉय कलेक्शन। तो फिर सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर दो और कॉमेंट भी कर देना। ओके तो फिर आ जाओ, ओपन करते हैं। अंदर आओ, सेटअप को नहीं रिवील करना है अभी। और वेलकम टू माय रूम, स्टूडियो नहीं कह सकते अभी, लेकिन बाद में स्टूडियो कहा जाएगा। तो सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करते हैं, ये है दीवार हमारी। इस दीवार के अंदर ईंटे हैं, सीमेंट है और पता नहीं क्या क्या मुझे बोला। और इस साइड भी दीवार है, ये अपना स्विच बोर्ड है जिसमें कलआउट लगा है जो कि पता नहीं। और ये है अपना घोड़ा प्यारा सा, और इसकी आंखें आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, अभी जैसे कि आप देख सकते हो जो इसका ये है, क्या कहते हैं इसको नहीं पता मुझे, बट ये जो है इसके इस साइड से यहाँ से आर पार हुआ था, ये बाहर का ऐसे पकड़ने वाला था, लेकिन ये पता नहीं किस रीज़न से निकल गया और इसको मैंने फिर इसके कान से आर पार कर दिया, पता नहीं क्या सोच के बट हाँ। और ये है हमारा गदा जिसको मैं कैसे भी करके किसी को भी जड़ देता हूँ, बिकॉज इससे चोट बहुत तेज लगती है। और इसको रखते हैं यहाँ, और अब धीरे धीरे क्या रील करूँ, हाँ हल्का सा पीछे जाओ कैमरामैन। और ये है हमारा कीचू, और इस और ये मेरा बहुत साथ देता है वीडियो बनाने में। वैसे तो ये वीडियोग्राफी करता है, लेकिन अभी पीचू का मतलब कीचू का छोटा भाई पीचू वहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। ओके, और ये है इसकी राज सिंहासन गद्दी जिस पे हमेशा बैठता है। ओके, ध्यान में रहना कि सेटअप ना आने पाए, क्योंकि सेटअप अभी आप लोग देख लोगे फिर वीडियो को छोड़ के चले जाओगे, पूरा वीडियो नहीं देखते हो। ओके, तो मैं अभी के लिए कोशिश करूँगा कि जल्दी मैं आप लोगों का सेटअप ना रिवील करूँ। ओके, तो अभी फिर क्या रिवील करते हैं, अभी सेट तो कुछ बचा नहीं है, ये विंडो है बड़ी सी देख ली आप लोगों ने। अब पीछे टर्न हो जाओ, अब पीछे है अपना वेलकम टू टैडी कलेक्शन। ओके, और ये टैडी कलेक्शन आप लोग देख सकते हो, ये हमारे यहाँ की छत से रखी जाती है क्योंकि ये गंदे ना हो। बिकॉज क्या होता है ना, अभी जैसे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है मकान के सामने, तो बहुत ही ज़्यादा इसको धूल मिट्टी बन जाती है, तो बहुत ही गंदे। और ये है हमारे कीचू के बड़े भाई पिंचू। ओके, और ये जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं वो सबसे छोटे भाई हैं इन लोगों के। ठीक है, तो अब रिवील कर देते हैं अपना सेटअप, लेकिन एक सेकेंड, इतनी जल्दी नहीं, टर्न बैक। सबसे पहले सेटअप रिवील करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आप लोग वीडियो देखते हो चैनल नहीं सब्सक्राइब करते हो, वीडियो देखते हो लाइक नहीं करते हो, वीडियो देखते हो शेयर नहीं करते हो। ओके, और अभी यहाँ पर मेरे हाथ के ऊपर आपको आ ही रहा होगा कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है या फिर नहीं किया है। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, देख लो अच्छे से। ओके, और फिर शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कॉमेंट भी कर दिया करो। ओके, तो आप कर दीजिए सेटअप रिवीलिंग, 1 2 3। ओके, तो ये है मेरा छोटा सा सेटअप, तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस साइड आ जाओ। ये है हमारा शेर ही कह लो आप इसको अब। ठीक है, और इस शेर के बाद में ये हमारा प्यारा सा टेबल जिसके ऊपर ये अपना पूरा सेटअप है। देन है अपना ये ट्रैपॉड, अब यहाँ पे आओ मैं आप लोगों को ट्रैपॉड की, अब यहाँ पे आप लोग देखो तो मैं आपको ट्रैपॉड की चीज़ बताता हूँ। ये ट्रैपॉड मैंने अनबॉक्सिंग करा था इसकी, इस ट्रैपॉड की, किस लिए, बिकॉज इसमें कैमरा और मोबाइल होल्डर है, लेकिन मैं इसका यूज़ किस और में भी करता हूँ, इसी और चीज़ में भी मैं करता हूँ, वो है हमारा हेडफोन, जो कि हेडफोन आप वायर देख सकते हो यहाँ से कनेक्ट होकर हमारे सीधा सीपीयू में कनेक्ट है, बिकॉज हमारी सारी एडिटिंग और जितनी भी चीज़ें होती हैं ना सारी हमारे इसी में होती हैं। और अभी आपको थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम आ रहा हूँ बिकॉज ये रूम पूरा स्पेस है, आप लोग देख लो कितना खाली है रूम, तभी आवाज़ ना थोड़ी गूंज रही है यहाँ पर, तो इग्नोर करना उसे। और ये हमारा कीबोर्ड, और इस कीबोर्ड में मैं खेलता हूँ ATS 2। ओके, ये बटन्स जो लोग गेमर होंगे वो बटन्स याद होगी उनको, ये देखो WASD। अगर आपको कुछ याद आया तो प्लीज़ कमेंट में जाके जरूर बताना। और ये है हमारा मॉनिटर जिसमें हमारा ATS 2 का केबिन चलता है, मतलब ट्रक का केबिन चलता है। और देन है हमारा CPU जो इतना हार्ड गेम झेल रहा है, झेल नहीं रहेगा, बहुत अच्छे से स्मूथली वर्क करता है। और देन इस साइड हमारा एक और बुलंद शेर है। ओके, और इसके ऊपर हमारा एक हेलीकॉप्टर वाला
रिवील कर देते हैं अपना टॉय कलेक्शन इन 1, 2, 3। और आप थोड़ा पीछे आके मतलब सारा कवर कर लो, ये अपना सेटअप एंड ये अपना जितना भी है कलेक्शन होगा सब कवर कर लो। हो गया, अब यहाँ आ जाओ, डिटेल देता हूँ। ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा हमारा डंप ट्रक, ओके, ये पास से दिखा दो। और इस साइड से मैं दिखेगी हम लोगों की ऑरेंज वाली कार, ये ऐसे नॉर्मली कार है, पुश बैक वाली है शायद, लेकिन इसका ख़राब हो चुका है। और इसके बगल में ब्लू रेसिंग कार, जो भी ऐसे रगड़ने वाली है यही समझ लो। और ये है अपना, क्या कहते हैं इसको, हाँ नहीं यार, जो भी कहते हो। और बस ऊपर का तो हो गया, ऊपर और कुछ ज़्यादा नहीं है। हाँ, और ये अपना डंप ट्रक है ना, उसके पीछे एक और डंप ट्रक है, मैं चाहूँगा पीछे जाके आपको दिखा दें क्या नाम है, यानी कि हमारा पीचू, हाँ पीचू था ना, हाँ जी। तो और अब आते हैं अपने नीचे वाली प्रोफाइल में, तो नीचे वाली प्रोफाइल में आ जाओ, इसकी आप डिटेल ले लो, कैमरामैन से मैं कह रहा हूँ इसकी डिटेल ले लो, क्योंकि ये अपनी बहुत ही प्यारी कार है, इसको मैं हद से ज़्यादा कर सकता हूँ, इधर ले आओ, ओके। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो कम से कम 1 kg या फिर कुछ ऐसे ही होगा, बिकॉज ये बहुत ही भारी है। और इसके टायर मूव्स करते हैं, ये आप लोग देख लो, और इसकी लाइट्स भी जलती हैं, और पीछे वाली लाइट्स भी हैं। इसमें एक और फीचर है जो इसका है, व्हील चेंजर फीचर, ओके, ये आपकी व्हील निकल गई है इससे, और ये व्हील इससे एक्सचेंज भी हो सकती है करना चाहो तो। लेकिन इसमें ये आप लोग देख लो, नट्स लगे हैं, इनको ढीला करके इसको निकाल के फिर चेंज करना होता है। इसको रख देते हैं, और फिर अपने पास आती है सेंटी टॉयज की, फिर अपने पास आती है सेंटी टॉयज की फायर ब्रिगेड, ओके। और इसका एक फीचर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि ये ऊपर होके हाइट देख सकते हो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे नीचे रख दिया है, और आप मेरी हाइट से और इसकी जो लैडर्स हैं उसकी हाइट मेजरमेंट कर, ओके। तो इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको वो भी दे दूँगा इसका बाय। और ये है इसके साइड के, ये कुछ भी कह लो वो है, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं इसको, और इसको ऊपर रखें। तो गाइस अभी तो मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दे पाऊँगा इन सब गाड़ियों की, बिकॉज अगर मैं डिटेल देने बैठा ना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो ऐसे ही आप एक बार सिनेमैटिक व्यू में दिखा दो सारे टॉयज, ओके। यहाँ पे नीचे प्रोफाइल में जब आएंगे तो सबसे पहले मिलेगा हमारे टॉम, टॉकिंग टॉम है ये, बैटरी ऑपरेटेड है। और देन इसके बाद है मेरे पापा की ट्रॉफी है, ये आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, कोविड वॉरियर सुपर स्टार प्रेजेंट हूँ मिस्टर संदीप, ये सब डिटेल है। और ये मेरा ट्रॉफी मतलब पापा की ट्रॉफी है, और देन ये कुछ ऐसे ही मैंने रख लिए थे डेकोरेशन के तौर पे। और ये मेरा सब स्टडी वाला सामान, ओके, यहाँ पे पूरा पीछे क्या दिखाऊँ। इसके नीचे आ जाते हैं, तो इसके नीचे भी मेरे पास टॉयज है, क्योंकि टॉयज की कमी नहीं है भाई, बहुत ही ज़्यादा है। और ये भी छोटे छोटे कलेक्शन आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सेट है, उसके पीछे एक और कंस्ट्रक्शन सेट है जो मैंने बद्रीनाथ से परचेज़ किया था। और इसके पीछे आपको एक कीबोर्ड मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड और पियानो। और देन ये है, ये है तो वैसे इन्फिनिक्स फ़ोन का बॉक्स, लेकिन इसके अंदर मैंने रख रखे ये जो आपको जीप दिख रही है ना इसका चार्जर, और ये जो जीसीबी आपको नीचे दिख रही है इसका चार्जर, ओके। और ये है मेरे कुछ एक्सपर्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स, यहाँ पे पास में आके मैं चाहूँगा दिखा दें ऊपर से, ओ सर ये गिर गया, इसको रख देते हैं। और यहाँ पे सारे मतलब अपने बोर्ड गेम्स हो जाते हैं, ये यहाँ पे एक बोर्ड गेम है, इसका नेम नहीं पता मुझे, और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है, चेस है, ओके। और इसके पीछे कुछ है नहीं, छोटे छोटे टॉयज हैं, जो ये टॉयज आपको दिख रहे हैं ना, ये सारा कलेक्शन ना मैंने कहाँ से मतलब कलेक्ट किया है, ये देख लो, ये छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे, ओके, ये छोटे छोटे टॉयज मैंने पहले क्या अभी भी आता होता मतलब आता होगा किंडर जॉय, ओके, उससे मैंने कलेक्ट किए हैं सारे। और ये जो आपको ये बॉक्स दिख रहा है ना, इसमें भी इसी के हैं, मतलब यही वाले टॉयज हैं इसमें भी। और अब आते हैं नीचे पोर्शन में, तो नीचे पोर्शन में हमारी एक और मतलब थोड़ी सी हाँ कलेक्शन आ सकता है। तो ये है अपनी ये चाबी से चलती है, मतलब साइड में आपको चाबी का दिख रहा होगा, पता नहीं कहाँ गया, ज़्यादा ढूंढने नहीं बैठूँ। और ये रही अपनी जेसीबी, नॉर्मल जेसीबी है। और ये रही अपनी जीप, इसके ऊपर अपनी रेसिंग कार, और अब इसमें क्या ही बताऊँ। और मैं जब आगे से मैं आपको कहूँगा, तो ये जो ये आपको इसके अंदर भी यही किंडर जॉय कलेक्शन वाले टॉयज़ है, ओके। तो
तो अब आ जाओ भाई इधर। तो बस अभी तो कुछ मेरे पास, बस मेरे रूम में इतना ही सामान है। तो अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब करना, और हाँ गाइस कमेंट करके जरूर बता देना कैसा लगा मेरा कलेक्शन। और हाँ, जो मैंने यहाँ पे आपको कीबोर्ड की कीज कही थी ना WASD, इसका ज़रा यूज़ आप लोग बता देना क्या है। ओके, तो मिलते हैं जल्दी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।